उनके घर के बगलती बारात चढ़ रही भूतन की, और बता रहे मुकू काई को सिर नाव, काई की टांग नहीं, काई को पैर नाव, तो ऐसे नाचते हुए जा रहे हो सफेद से कपड़न में, और मेरा मुंह लेकर को वहीं पे ऐसे ऐसे कह रहे मेरे बाबा। और उन्हें भूतन में थी, एक की नजर मेरे बावन पे पड़ गई। क्या? हाँ मुकू बता रहे बाबा, जहाँ भूत की नजर मुंह पे पड़ी ना, बस वहाँ को सिर ही सिर, बस वहाँ की खोपड़ी खोपड़ी नाच रही, और वहाँ की नजर मुंह पे पड़ गई छत पे। और धनुआ ऐसी काली रात में बाहर बैठने को मजा ही कुछ और है। जो रात में बाहर बैठ के बात करने में मजा आवे ना, वो मजा कहीं है ही ना। घर की चार दीवारी में भी वो मजा ना आवे जो मजा बाहर बैठ के बात करने में आवे। सही सही कह रहा हूँ ना मैं पूनम सबको? हाँ बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर ऐसे रोज रोज भी तो ना बात कर सके हम रात में बाहर बैठ के, और रात में बाहर बैठना भी ना चाहिए। मेरी अम्मा मोको बता कर रही, रात में है ना उल्टे पैर वाले भूत बहुत डोले हैं। जो रात में है ना काई भी अकेले आदमी है देख के वहाँ के संग चुप ही चुप चल दे। हाँ ऐसे ऐसे भूत रहे भाई उल्टे पैर वाले। तू भी सब जन का बात कर रही है, उल्टी पैर वाले भूत ना, उल्टे पैर वाले भूत तेने देखे कभी आज तक उल्टे पैर वाले भूत? अरे पहले है ना बहुत दिखे करे उल्टे पैर वाले भूत, और काई अकेले आदमी है देख कर वही के संग चल दे करे, और वहाँ ऐसे बात करे करे जैसे कोई इंसान हो। कहाँ जा रहा भैया वो बतावे की मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ वो कह रहे चल मैं भी तेरे संग नहीं चल रहा हूँ। तो ऐसे वो बातचीत करते करते आगे बढ़े ना, तो ऐसे ही नजर पड़ जाती है यही वहाँ के पैरन पे, तो वहाँ के उल्टे पैर हो गए। तो आदमी हो या जनानी हो वही मूत लेकर जाओ वहाँ को। जब वह आदमी है या जनानी है पता चल जावे ना ये भूत है या के तो उल्टे पैर है, तब तब वहाँ को पता कितना बुरा हाल होता होगा तू ही सोच। और वो भूत उनके मई मुस्कुराते रहता कहिए, हाँ कुछ ना बोले बस मुस्कुराते ही रहे उनके मई, और उनकी हवा खुशक है जावे और उनकी फट जावे पीछे से। ऐसी ऐसी बात ने बता रही मेरी अम्मा मुकू। हाँ मुकू तो बहुत डर लगे और रात में ऐसी बात ने सुन सुन कर, और न्योर कह दे बीच बीच में कि बेटा यू बात हकीकत है, हकीकत में होते थे भूत। ए सबू ऐसी भूत भूत की बात मत करो यहाँ पे। हाँ अब भज्जी मने तो करो, भूत भूत ना हो मैं फिर भी तो भूत की कहानी ने सुनाई जा रही है, कोई कोई रोमांटिक कहानी ने सुनाओ। ये भूत प्रेत की कहानी ने पता ना कहाँ सुना रही है तुम। लैला लैला मजनू की कहानी ना सुनाओ, भूत भूत की कहानी ना सुनाओ रात में तुम्हारा। अरे जो बात सच्चे वही बात बता रही हूँ मैं, मेरी अम्मा मोकू ऐसी बात ने सुना भाई, जब तो मैं तुमको बता रही हूँ। अगर मेरी अम्मा मोकू इन बात ने ना सुनाती तो मैं तुम्हें काय को बताती इन बात ने? अब तू ही सोच, इतना बड़ा बूढ़ा आदमी हमको इन बात ने बताएगा तो तुमको बाकी बात झूठ लगेंगी? बड़े बूढ़े आदमी है ना हरदम सच्ची बात बताने हैं, झूठी बात ना बताने कभी, और उनकी बात ने कभी झूठा ना मानना चाहिए क्योंकि उनने हमसे ज्यादा दुनिया जी है। और कहेगा उनने हमसे ज्यादा दुनिया जी है तो उनकी हर बात थोड़ी हकीकत मान लेंगे हम। अगर वो हमसे कह लेंगे कि धनुआ की लुल्ली खड़ी ना हो गए हम मान लेंगे या बात है? तो यही है तो पता होगी कि यहाँ की लुल्ली खड़ी हो गए या ना हो गए, हम उनके कहने तो मान लेंगे कि यहाँ की लुल्ली खड़ी ना हो गए। ओए तुम मेरे ऊपर काय को कह रहे हो ऐसी बात नहीं है, या बात बताइए मुझे। वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इनको, एग्जांपल अगर मान ले कहीं बड़े बूढ़े ने यूं कह दी कि यार धनुआ की, धनुआ काय को ला रहा हो बीच में तू, कहीं और को भी तो नाम ले सके क्या? धनुआ की मेरी मेरी तो खड़ी हो गए, मेरी क्यों ना खड़ी हो गए, देर बेर धनुआ की कर रहा तू भी यार भज्जी। और काय कोई नाम लेते हैं, मेरा नाम लेना जरूरी है, मुझे बुरी ना लगेगी तू मेरा नाम लेके ऐसी ऐसी बात कर रहा है? चल चल मैं तेरा नाम ना ले रहा, तेरा नाम ना ले रहा, पता मान लेगा तू यह बात बड़े बूढ़े की है? वो तो वही पता चलेगी ना, जो उनकी टुंटनी है वही बताएगा कि मेरी टुंटनी खड़ी हो गए या ना हो गए, ऐसे बड़ा बूढ़ा बता रहे कोई कहाँ है कि टुंटनी खड़ी ना हो गए? बड़े बूढ़े की हर बात पर यकीन ना करना चाहिए सबको। तो बड़े बूढ़े ने ऐसे कह दी हम पे? अगर बड़े बूढ़े हमसे ऐसी बात करेंगे तभी तो पता चलेगी कहाँ झूठ बोल रहे हैं, पर बड़े बूढ़े ऐसी बात करे ना, बात वो ऐसी करे जो हकीकत हो, हकीकत हाँ ऐसी बात करे बड़े बूढ़े। मतलब तू अपनी अम्मा की बात ना सच्ची बातें माने हैं? और का ऐसे तो मेरे बाबा भी मुझे भूतन की कहानी सुनावे, पर मैं तो ना मानू उनकी एक भी हकीकत की बात। उनने तो जन मुझे कितनी घटना बता रखी है भूतन की, कि ऐसे है वो मेरे संग, ऐसे है वो मैंने महाभूत देख लिया, मैंने महाभूत देख लिया, पर मैंने आज तक उनकी एक बात पर भरोसा ना करो। ऐसी कौन सी तू इतनी बात बता दे? ले अभी बताऊं तुमको कौन कौन सी बात बताएंगे, कौन कौन सी बात ना बताएंगे। मेरे बाबा मोकू बता रहे यू ही दिन चल रहे, और रात में बिल्कुल मैं अंदर सो रहा कमरा में, और मोकू इतनी गर्मी लग रही, गर्मी तो लग ही रही और मच्छर भी बहुत काट रहे। तो फिर बाबन ने अम्मा से कही कि मैं अपनी खाटे ऊपर ले जा रहा हूँ, छत पे बिछाऊंगा, वहां सोऊंगा आराम से। हाँ मच्छर तो फिर भी काटेंगे पर गर्मी से तो बच जाऊंगा। ऐसे कह के बाबा छत पे खाट बिछा के सो गए। जब छत पे खाट बिछा के सोए ना बाबा, तो वहाँ टाइम उनने अपनी घड़ी में टाइम देखो तो घड़ी में बज रहे 8:30। मतलब हमारे बाबा ने टाइम देखने का बहुत शौक है मिनट मिनट पे, तो बता रहे जब ही मैं खाट पे लेटा हूँ ना तो 8:30 बज रहे वहाँ टाइम। तो हमारे अम्मा बाबा गाँव में ही रह गए वहाँ टाइम, तो रात के 12 बजे हमारे बाबा बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे। तो वह गहरी नींद में हमारे बाबन के कान में बारात चढ़ने की आवाज आ गए, जैसे साइड से बारात चढ़ती जा रही हो।
तो हमारे बाबा सोते हैं या तो कौन की बारात चढ़ रही है, आज तुम पे कोई दावत वावत करनो तो भी ना आयो, आज आज पता ना कौन की बारात चढ़ रही है। क्योंकि हमारे बावन के यहाँ ना हर काई के घर के नो तो आवे, बावन के लिए स्पेशल चकाई की बारात हो, चकाई की कोई पार्टी हो, मतलब चाहे कोई भी फंक्शन हो, हमारे बावन के लिए पर्सनल नो तो आवे। तो यही बात सोच रहे बाबा सोते सोते, आज तो वो पे कोई नो तो बहुत अभी ना आया दावत को, तो ये बारात कौन की चढ़ रही है। तो मेरे बाबन ने जैसे ही आंख खोल कर देखी तो उनके घर के बगल थी बारात चढ़ रही भूतन की, और बता रहे नोकू काई को सिर ना हो, काई की टांग नहीं, काई को पैर ना हो, तो ऐसे नाचते हुए जा रहे हो सफेद से कपड़न में, और मेरा मुंह लेकर गो वहीं पे, ऐसे ऐसे कह रहे मेरे बाबा। और उन्हें भूतन में थी एक की नजर मेरे बाबन पे पड़ गई। हाँ मुकू बता रहे बाबा, जहाँ भूत की नजर मुँह पे पड़ी ना, बस वहाँ को सिर ही सिर हो, बस वहाँ की खोपड़ी खोपड़ी नाच रही, और वहाँ की नजर मुँह पे पड़ गई छत पे, और मुझे भी पता चल गई यानी मैं देख ली हूँ। तो फिर वो खोपड़ी अपने बगल वाले भूत के कान में बतावे कि देखिए वो देख रहा हमारे में। फिर तो तेरे बाबन के पीछे पड़ गए होंगे वो। ना ऐसा ना हुआ, फिर हमारे बाबन ने वहाँ पे हिम्मत दिखाते हुए बाबा भी नाचन लगे छत पे ही। हाँ नाचन लगे बाबा भूतन ने देख। बाबा बता रहे मोकू अगर मैं वहाँ पे डर जाता वहाँ टाइम तो वो भूत मोकू वही मार देते। तो यही मारे हमारे बाबा छत पे नाचन लगे, जो उन भूतन ने लगन लगे कि हाँ हमारे दोस्त की शादी की यही भी खुशी है, तो छोड़ दो यार छोड़ दो। तो फिर वो भूत अपनी बारात लेकर चुप्पे लेकर गए। हाँ बाबन ते कुछ ना कही उनने, ऐसी ऐसी बात बतावे मेरे बाबा मुकू। अब तू ही बता इन बातन पे मैं भरोसा कर लूंगा, बताओ जो आदमी एक शादी से परेशान है जाए वो बताओ मरने के बाद भी शादी कर रहा है, ऐसा ऐसा कोई होता होगा? तू ही सोच। का पता होता हो ऐसा। जरूर होता होगा ऐसा। ले एक और बात बताऊँ अपने बाबन की, और तू वह बात सुनकर तू भी समझ जाएगा कि हाँ बाबा झूठ बोल रहे। ए मत बता मत बता यार। बता बता भाजी बता। बाबा बता रहे ये तब की बात है जब मैं ड्यूटी करे करे का रोज सुबह सुबह 8 बजे घर में तो लेकर करे हमारे बाबा ड्यूटी करने को, और सुबह 6-7 बजे आ जावे यहाँ, और हफ्ता में 2-3 दिन लेट भी है जावे, उन्हें कम से कम 9-9:30 बज जावे यहाँ, मतलब रात है जावे उन्हें आते आते में। और जा रास्ता थे हमारे बाबा ड्यूटी पे जावे ना, दिन में तो बिल्कुल अच्छा लगे, हरियाली हरियाली, पेड़ पौधा खूब बड़े बड़े पेड़, और पलंग थे रात को वही रास्ता थे आवे, तो ऐसा लगे पता ना कहाँ चल रहा हूँ मैं, कौन से जंगल में चल रहा हूँ। बाबा यह बातें भी कह रहे मुँह थे कि बेटा अब भी तू रास्ता थे रात में गुजरेगो ना तो पता पड़ जाएगी हाँ कितना भयंकर लगे वो रास्ता रात को। तो वह रास्ता थे रात में आना पड़े बाबन को, रात को चुप चुप पैडल मार के साइकिल खिसकाते खिसकाते आवे बाबा। तो एक दिन हमारे बाबा लेट है गए, तो वही रास्ता थे रात में आ रहे 9:30 को टाइम बता रहे, तो चुप चुप पैडल मारते मारते घर की तरफ आ रहे, और बता रहे मोकू वह रास्ता के दोनों तरफ घनो जंगल हो, और वहाँ में भेड़िया रो रहे ऐसे ऐसे करके। अब तू ही सोच इतनी रात में घने जंगल के बीच में थे गुजरना, और वो भी तब जब भेड़िया रो रहे हैं। तो हमारे बाबा हिम्मत वाले तो वो भी पैडल मारते मारते घर की तरफ बढ़ ही रहे, तो अचानक ही एकदम पीछे से उनके कंधा पे एक हाथ आवे, फिर एक संग बाबा हमारे साइकिल रोके और पीछे मुड़कर देखे यू कौन ने हाथ धरो मेरे कंधा पे। तो फिर पता बाबन ने कहा देखो। हाँ का का देखो। तो बाबन के पीछे साइकिल पे एक बिना सिर वाला आदमी बैठो है, और बाबन से कह रहे हैं काय को रखो, चल चल मैं भी तेरी घर की तरफ ही चल रहा हूँ, चल काय को रखो। हमारे बाबा हिम्मत वाले जरूर है, पर उनका भूत देख के मुंह बहुत जल्दी निकले, और तो वहाँ भी मुंह गए हमारे बाबा। फिर वो भूत कह रहे हमारे बाबन से कि यार यू जो तेने साइकिल पे आगे जलेबी लटका रखी है ना, मुंह खवा दे यार प्लीज खवा दे मुझे। तो कहने को मतलब यू है वो भूत हमारे बाबन की साइकिल पे जलेबी खाने के लिए बैठो, क्योंकि हमारे बाबा वहाँ दिन जलेबी ला रहे घर पे गरम गरम करकरारी जलेबी, तो कैसे वहाँ भूत के मुँह में पानी ना आता, यही मार बैठो कही है वो साइकिल पे मुकू जलेबी खवा दे। देर देर वो भूत हमारे बाबन से यूं ही कह रहे हैं कि मुकू जलेबी खवा दे यार, ये जो आगे तेने पिन्नी में लटका रखी था बहुत दिन तक जलेबी रखाई है मैंने। और हमारे बाबा को दिल धुक 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 है रहा, और वो यूँ सोच रहे बोल कहाँ तेरह यहाँ का तो सिर है ही ना, बस धड़े धड़े और ये जलेबी खाएगा कहाँ। तो फिर वहाँ भी हमारे बाबन ने हिम्मत वाला काम करो, तो पहले उस साइकिल पे बैठे साइकिल चलाई, फिर बाबन ने वह भूत के कही कि चल मैं घर पे खिलाऊंगा तू जलेबी। अब तू ही सोच बात है हमारे बाबन पे का बीत रही होगी जब उनके कंधा पे भूत को हाथ रखो, और ऐसा भूत जाकर सिर ही ना, भूत तो लेकर ही गया बाबन को, फिर भी उनने हिम्मत दिखाई घर की तरफ खींच के ले चले साइकिल के, यार अब तो देख ही जाएगी जो होगा। देर देर वो भूत पीछे से कह रहे कि यार कब खवाएगा जलेबी, खवा दे मुकू यार इतनी दूर से तेरे पीछे बैठ के आ रहा हूँ ना, तेने अभी तक मुकू जलेबी ना दी है एक भी। तो फिर हमारे बाबा कह रहे हैं कि यार खवाऊंगा तू जलेबी, घर घर तो आ जाऊंगा घर पे खवाऊंगा तू जलेबी।
तो ऐसे ही बस भूत से बात करते करते बाबा गांव में घुस गए हमारे। तो फिर उनने पीछे मुड़ के देखी तो बस साइकिल पर कोई ना हो। और बाबा मुँह से कह रहे कि बेटा अगर मैं वाटे में इतनी हिम्मत ना दिखाता ना तो मैं वहीं मर जाता, अगर मैं डर जाता ना वो भूत मुझको वहीं मार देता। यही मारे मैंने हिम्मत दिखाई और साइकिल घर की तरफ फेंक तो रहा। अब तू ही सोच मुझ पर का बीत रही होगी जब मेरे कंधा पर भूत को हाथ रखो और ऐसा भूत जागो सिरे ना। सही कह रहे भज्जी तेरे बाबा, अगर मोबार भैया हो तो ना, अगर मोबार भैया वह भूत देख ले तो जाकर कोई सिरे ही ना है, मैं तो नहीं मर जाता, वैसे ही मर जाता मैं तो हार्ट अटैक थे, वो भूत मोह को ना मारता मैं तो वैसे ही हार्ट अटैक थे मर जाता। अब तो लग रही है सच्ची बात है। हाँ लग रही है, लग रही है। माँ धर चोद कहाँ से सच्ची बात लग रही है तो भी लोग तो ये कहीं तो सच्ची बात ना लग रही। अब तू ही सोच वह भूत को सरे ही ना हो तो वो बोल कहाँ तेरो, अपनी गांड से तो बोल ना सके वो। तो पहली बात यहाँ से पता चले कि बाबा झूठ बोल रहे, अगर वह आदमी को सरे ही ना हो तो वो बोल कहाँ सके, कहाँ बोल सके जब वहाँ को सरे ही ना हो तो मोहती तो बोले आदमी। अगर वो यूँ कहते कि वहाँ को सर अलग हो और धड़ अलग हो पर वो एक जगह है, सर बात कर रहा हो धड़ मेरी साइकिल पे बैठा हो, तब तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ ये सच्ची घटना है। तो बाबा मुँह से कह रहे वह आदमी को धड़ी धड़ बैठो साइकिल पे, सर तो हते ही ना हो, मैंने तो चारों तरफ खूब देखी सर कहाँ पे पर सर हते ही ना हो। अब तू ही सोच जा आदमी को जा भूत को सरे ही ना है तो वो बोल कहाँ रहे हो, यहाँ तो साफ साफ पता चले बाबा झूठ बोल रहे और वो बात भी ऐसी ऐसी कर रहा हो कि मुझे जलेबी खानी है। अब तू ही सोच वो जलेबी खा तो कहाँ थे, जब वहाँ को धड़े ही धड़ो सर हते ही ना हो तो जलेबी का अपने चूतड़न में खा दो। अरे भूत अब भूत तो कहीं जलेबी खा सके, झूठ झूठ कहाँ करी तो यू बात। अब तू ही सोच जब वो भूत बिना आंखन के तेरे बाबन की साइकिल पे बैठ सके तो वो बिना मुंह के जलेबी ना खा सके और बिना मुंह के बोल ना सके। ऐसो या ज्ञान है और का ये दियो जाके हम मुंह मत चलावे तू। ए भज्जी सही तो कह रही हूँ, जब वह आदमी को धड़ी धड़ो सर हते ही ना हो तो वो बिना देखे साइकिल पे बैठो कैसे, अगर वो बिना देखे साइकिल पे बैठ सके तो बिना मुंह के खा भी सके और बिना मुंह के बोल भी सके, कैसी कैसी बात है सब। हाँ सही सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ भैया, भूत प्रेत सच में ही हूँ मैं, अभी तो तू अपने बाबन की बात झूठी लग रही है ना, जब तेरे संग काय दिन चांस बनेगा ना तब पता चलेगी भूत हूँ मैं या ना हूँ मैं, जब काय दिन तेरी आंखन के सामने अचानक भूत आगो ना तो तेरी मही गांड फट जाएगी, जब मानेगा तो भूत हूँ मैं। का बोलो दोबारा बोली। मैं तेरी गांड फाड़ दूं और तेरे भूत की भी गांड फाड़ दूं, जब बुला लियो अपने भूत जाएगी हमारी गांड, निकल जा यहां से।